मैं अभी हॉस्टल की ओर जा रहा हूँ। ये देखिए रास्ता काफ़ी चढ़ाव वाला है, तो थक गया हूँ अभी, लेकिन जगह मस्त है, जंगल के बीचों बीच है। अभी थक गया हूँ, हॉस्टल पहुँच के बात करता हूँ। ये है मेरा हॉस्टल, और आज रात को मैंने टेंट पे सोने का प्लान बनाया है। एक्चुअली टेंट में मेरा फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस है, तो मैं चेक करना चाहता हूँ टेंट में क्या समझ आता है। मैं आप लोगों को टेंट दिखाता हूँ। यहाँ पे है टेंट, और आज टेंट पे सोने का प्लान है। देखते हैं कैसा होता है मेरा टेंट में। अभी सुबह हो चुकी है, मैं रात को टेंट पे सोया था, मज़ा आया। फर्स्ट टाइम था मेरा ऐसे टेंट पे सोना, मज़ा आ गया। अभी मैं हॉस्टल के छत पे हूँ, काफ़ी शानदार जगह है ये, आप देख सकते हैं पीछे, और इस साइड भी देख सकते हैं, काफ़ी शानदार जगह है। अभी थोड़ा थोड़ा बारिश हो रहा है, रात को भी हुई थी। अभी कहीं निकलने का प्लान बना रहा हूँ, हॉस्टल से निकल चुका हूँ, अभी जा रहा हूँ कुछ टॉप स्टेशन है मनार का, वहाँ पे जा रहा हूँ। मेरे को हॉस्टल का भाई भी बता रहे थे कि वो जगह पे जाने के लिए, तो वो यहाँ से कुछ 35 किलोमीटर है, और 35 किलोमीटर मैं कैसे ट्रैवल करूँगा वो पता नहीं। अभी मैं मुन्नार टाउन पे आ चुका हूँ, यहाँ से अभी टॉप स्टेशन जाने का प्लान बना रहा हूँ, लेकिन कैसे जाएँ पता नहीं। मेरे एक दोस्त ने बोला था कि टुक टुक में जाओगे तो आपको रुक रुक के बहुत जगह देख के जाना मिल सकता है, अगर बस में नहीं मिलेगा तो टुक टुक में जाने का प्लान बना। फ्लावर गार्डन पे, काफ़ी खूबसूरत गार्डन है, यहाँ पे सारे वैरायटी के फ्लावर्स हैं, और काफ़ी खूबसूरत जगह है। काफ़ी सारे फ्लावर्स और काफ़ी सारे प्लांट है यहाँ पे, और काफ़ी जानकारी भी मिल रही है। काफ़ी ऐसे ऐसे फ्लावर्स हैं जो ज़िंदगी में कभी देखे नहीं थे, और काफ़ी मज़ा है। यहाँ का एंट्री भी 50 रुपीज़ है। दूर देख सकते हैं दो हाथी है, ये जंगली हाथी है, यहाँ पे चारा चरने आए थे, बहुत शानदार दिख रहा है। तो मेरे को तो अच्छा से दिखाई दे रहा है, लेकिन कैमरे में आपको एकदम छोटा सा दिखाई दे रहा होगा। मैं यहाँ से दिखाता हूँ, ये देख सकते हैं आप, ये देखिए दो जंगली हाथी है, अपने ज़िंदगी के मज़ा ले रहे हैं। और ये है इको पॉइंट, इको होता है साउंड बोलते हैं, अभी ट्राई करता हूँ, पता नहीं हो तो नहीं रहा है, शायद होता होगा। काफ़ी अच्छा जगह है ये भी, आप देख सकते हैं, यहाँ पे इको होती है जब गाड़ी के हॉर्न बजाई देते हैं और कोई ज़ोर से चिल्लाता है, तो ये जंगल के और होके इको हो रहा है। काफ़ी शानदार जगह है, अच्छा है। काफ़ी इंटरेस्टिंग जगह है, अब सब लोग यहाँ से चिल्ला रहे हैं तो वहाँ से इको होके साउंड आ रहा है, और काफ़ी अच्छा लग रहा है, जंगल से कोई
बोल रहा है जैसा लगता है। जगह जो है ये तमिलनाडु में आता है, टॉप स्टेशन है। यहाँ से इतना फॉग है गाइस क्या बताऊँ, और बहुत ठंडी भी है, काफ़ी फॉग है और कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा है। अभी देखते हैं आगे जाके कुछ देख पाए तो मज़ा आ जाएगा। एक्चुअली ये टॉप स्टेशन है, यहाँ से काफ़ी खूबसूरत नज़ारा दिखता था, लेकिन इतने फॉग है कि पूरा भरा हुआ है, कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। देखता तो मज़ा आ जाता था। अभी देखता हूँ क्या हो सकता है आगे। तो पे सफ़र किया था ये हमारे भाई है, काफ़ी अच्छा है दोस्त मेरा, सब जगह